सदन से सड़क तक मोदी तानाशाही के खिलाफ सीपीआईएमएल ने लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव परिणाम से ठीक पहले हुए 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट घोटाले और नीट रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इस बार बिहार में सीपीआईएमएल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंडिया अलायंस के घटक दल के तौर पर सीपीआईएमएल ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया। 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी में चुनाव लड़ा गया, जिसमें 2 सीट आरा और काराकाट सीट से कामयाबी मिली। वहीं अग्याव विधानसभा उपचुनाव में भी कामयाबी मिली। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की जनता ने मोदी के खिलाफ जनादेश दिया है। मोदी को अब प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए और न ही अमित शाह को मंत्री बनना चाहिए। उन्होंने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष ओम बिरला का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से ओम बिरला ने सदन का संचालन किया, वो तानाशाही रवैया था। उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने नई राजनीति को दिशा दी है। आइए भट्टाचार्य ने जो कहा सुनते हैं। लोगों को जानकारी है कि हम लोग 3 सीट पर लड़े थे लोकसभा, और एक विधानसभा का उपचुनाव भी हमें लड़ना पड़ा था अग्याव से। तो इनमें से आरा, काराकाट और अग्याव, ये 3 सीट से हमारे साथी जीते हैं, सुदामा जी, राजाराम जी और शिव प्रकाश जी। और नालंदा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा और संदीप जी वहाँ दूसरे नंबर पर रहे। कुल मिला के जो बिहार का चुनाव परिणाम है, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो बिहार का परिणाम नहीं आया। हम समझते थे कि शायद 2020 के विधानसभा में जो परिणाम आया था उसी के इर्द गिर्द इस बार का परिणाम रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कायदे से हमें 20 सीट जीतना चाहिए था 40 में, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर पूर्णिया की सीट को भी जोड़ ले तो 10 सीट हमें मिली। इस पर तो एक समीक्षा की ज़रूरत है, समीक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन 19 की तुलना में बिल्कुल, जो लोग ये सोच रहे थे कि 40 देश में 400 पार और बिहार में भी 40, ये जो बातें हो रही थी, तो उसका तो बहुत ज़बरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया। जो जनादेश अभी आया है, इसमें निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ है, बहुत साफ। इसकी दिशा बहुत साफ है, देश के हर कोने से और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आर्थिक नीतियों में दिशा बदलने के लिए, जन कल्याण की दिशा में आर्थिक नीतियों को संचालित करने के लिए जनता ने वोट किया। लेकिन उस जनादेश की जो इतनी तीव्रता होनी चाहिए थी, इसमें शायद कुछ कमी रही और इसके चलते संख्यागरिष्ठता खोते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रह गई और एनडीए जोट को, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल गया है। जनादेश तो ये कहता था कि मोदी जी को और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहना चाहिए, अमित शाह जैसे गृह मंत्री भी देश के वो नहीं चाहिए। जिस तरह से ओम बिरला संसद का संचालन कर रहे थे, बिल्कुल ही पार्टीजन तरीके से, अलोकतांत्रिक ढंग से, तो ऐसा स्पीकर भी नहीं चाहिए। तो अभी कितना बदलाव हो पाएगा, इस जनादेश का कितना सम्मान एनडीए गठबंधन की ओर से होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम लोगों ने तय किया इंडिया गठबंधन की ओर से कि हम इस जनादेश की मूल भावनाओं को, इसको आगे बढ़ाते हुए सरकार पर बिल्कुल संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त दबाव पैदा करेंगे, ताकि जो जनादेश की आकांक्षा है, भावना है, वो पूरा हो सके। इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे।
जो एक बड़ा घोटाला सामने आया एग्जिट पोल के आड़ में, शेयर बाजार में 30 लाख करोड़, इसको घोटाला ही कहा जाएगा। अगर चुनाव के बीच में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री अदानी के चैनल में, एनडीटीवी में जाकर के लोगों से शेयर खरीदने के लिए कहते हैं, और जब 400 पार वाला एग्जिट पोल, लगता है कि एक तरह से प्रायोजित एग्जिट पोल वो आता है और लोग जबरदस्त ढंग से शेयर खरीदने लगते हैं, और फिर 4 तारीख परिणाम निकलने के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आती है और देश के करोड़ों छोटे निवेशकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कुछ विदेशी कंपनियों को फायदा हुआ, और कुल मिलाकर के इसका आकलन है 30 लाख करोड़। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए जैसे कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, इसकी बिल्कुल एक जांच होनी चाहिए, और हमें तो लगता है कि जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए हो तो ज़्यादा ठीक रहे। इसी तरह हमने देखा कि उसी दिन समय से पहले नीट का रिजल्ट आ गया, और इस रिजल्ट को भी लेकर के नौजवानों में भारी सवाल है कि किस तरह से ये रिजल्ट आया, जहां पहले एक या दो टॉप करते थे, वहां इतने सारे कैसे टॉप कर गए, एक ही सेंटर से 5-5, 6-6, 7-7 लोग कैसे एक ही नंबर लेके चले आए, तो इसको भी लेकर के बहुत बड़ा सवाल पूरे देश के नौजवानों में है, और जिसका जवाब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देना होगा। एक तरह से कह लीजिए शेयर बाजार का घोटाला और छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़, और इसी के साथ सरकार की यात्रा शुरू हो रही है। ये जो सरकार अभी बनेगी, ये कहाँ तक चल पाएगी, कहाँ तक ये सरकार चल पाएगी, वो तो समय बताएगा, लेकिन इसमें जनता दल यू और TDP दो पार्टियों की एक बड़ी भूमिका होगी, और जहाँ तक बिहार की बात है तो नीतीश जी की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन अब कल जिस तरह से उस बैठक में नीतीश जी की जो बातें थी उसको लेकर के भी अब लोग बहुत दुखी हैं। लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई बिहार से अगर जनता दल यू के सपोर्ट से अगर सरकार चले तो कम से कम जनता दल यू उसकी जो अपनी ही पुरानी मांगे हैं और जो कमिटमेंट है, चाहे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने का सवाल हो, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने का सवाल हो, ऐसे तमाम सवालों पर एक गारंटी मोदी जी से लेना चाहिए। तो पता नहीं इस पर क्या बात होगी नहीं होगी, लेकिन ये एजेंडा हम लोगों के लिए बिल्कुल है, और इस एजेंडा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे।